नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल में कृष्णा नगर से आप हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, जहां 4,817 नए मामले पश्चिम बंगाल, इसमें 1,000 से ज्यादा मामले सिर्फ कोलकाता से आए हैं। सवाल ये है कि जिन परिस्थितियों में कोरोना का ये मामला देश भर में अलग अलग जो हाहाकार जो मुंबई में दिल्ली में तमाम जगहों पर मचा हुआ है, उसके बाद अब सवाल तो ये है कि जब चुनावी प्रचार में पश्चिम बंगाल में तमाम नेता अलग अलग जगहों पर मौजूद है और यहाँ पर प्रचार की वजह से लोग सामाजिक दूरी मास्क ये सब नहीं पहन रहे हैं, तो क्या परिस्थिति बन रही है और किन बातों का रखना है ख्याल। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आपका परिचय डॉक्टर्स के एक बड़े पैनल से करूं जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ बीजेपी और टीएमसी के मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ पर मास्क सिर्फ इसलिए उतारा है क्योंकि पूरी जगह से ये जगह खाली है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह की परिस्थितियां रोज बढ़ रही हैं, अपना ख्याल हर किसी को खुद रखना है। मास्क है जरूरी, सामाजिक फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं वो दूरी भी है जरूरी। पहले देखिए क्यों आज ये बुलेटिन करने की नौबत आ गई है पश्चिम बंगाल से, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल की रैलियों को देखकर, वहां हो रहे रोड शो को देखकर सारा देश दंग है। चुनाव के नाम पर रैलियों में कोरोना के हर नियमों को रौंदा जा रहा है। नियमों के खुलेआम हो रहे इसी उल्लंघन पर अब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों से कहा है कि सभी जिलों में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी उनकी है, लिहाजा वो रैलियों रोड शो में कोरोना की स्थिति पर नजर रखें। अगर उन्हें जरूरी लगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए धारा 144 भी लागू करने से ना चूके। अदालत ने सभी राजनीतिक आयोजनों में मास्क पहनना अनिवार्य बताते हुए सभी जगह सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत को ये सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पश्चिम बंगाल की रैलियों में न 2 गज की दूरी है, न रैलियों में आने वाले लोगों के चेहरे पर मास्क। धीरे धीरे ही सही ये लापरवाही अपना रंग दिखाने लगी। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,817 नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गई है। अकेले कोलकाता में कोरोना के 1,271 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। कोलकाता के बाद नॉर्थ 24 परगना में सबसे ज्यादा 1,134 केस मिले हैं। चिंता की बात यह है कि 5 अप्रैल के बाद से राज्य में कोरोना के मामले 130% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जो देश से दोगुनी है। कोरोना का मुकाबला करने में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। अस्पताल से शमशान तक अफरा तफरी है, जो बंगाल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, हर तरफ चर्चा यही है कि चुनावी प्रचार में नेता जिस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जनता भारी तादाद में पहुंच रही है, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? अगर पश्चिम बंगाल में इन 8 दौर के मतदान के बाद मामलों में जबरदस्त इजाफा होता है तो किसकी जवाबदेही होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमने कई डॉक्टर्स को भी बुलाया खास तौर पर ये जानने के लिए कि परिस्थितियां। सबसे पहले डॉक्टर सप्तर्षि बासु, जो कि कोविड वॉरियर भी है, खुद सेलिब्रिटी डॉक्टर है, और उन्होंने सौरभ गांगुली का भी जो उनका मेडिकल परिस्थिति बनी थी तो इलाज किया था। डॉक्टर सप्तर्षि बासु हमारे साथ है। डॉक्टर सास्वती सिन्हा हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर की स्पेशलिस्ट से, AMRI ढकुरिया हॉस्पिटल कोलकाता से। डॉक्टर शुभ्रज्योति भौमिक हमारे साथ क्लिनिकल रिसर्च डायरेक्टर PLS हॉस्पिटल कोलकाता से जुड़ रही है। हमारे साथ डॉक्टर सायन चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि कोलकाता से है। डॉक्टर श्यामिशीष बंदोपाध्याय ये भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, और फिर डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ मानव जायसवाल TMC की तरफ से जुड़ रहे हैं। निखिल प्रसून, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सवाल यह है कि जिस राजनीतिक पार्टी से पूछूंगी वो बोलेगा सामने वाला भी तो कर रहा है, लेकिन ये वो खेल है जो सब खेल रहे हैं। आप सबको ये मतलब लग रहा है कि
हम रैली करेंगे नहीं, चुनाव नहीं, मतलब कुर्सी आज आदमी की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। डॉक्टर प्रसून जी नमस्कार। देखिए मैं मानता हूँ कि जिस मुद्दे को आज आपने उठाया है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसकी गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि चाहे बड़ी बड़ी रैलियां हो या जनसभाएं हो, कम से कम मास्क का प्रयोग और जो सैनिटाइजर है उसका प्रयोग तो किया ही जा सकता है। और बार बार प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी और उसके इतर भी कई बार इस पर जोर दिया है। और हमने अपने स्तर पर छोटी छोटी जनसभाओं में हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की है। डॉक्टर प्रसून, लेकिन मैं मानता हूँ डॉक्टर प्रसून एक सवाल है आपसे। देखिए, जब हाईकोर्ट ने कहा, कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा, तब आप लोग सब ये राग जप रहे हैं, वरना इसका तो कोई कहीं पर चर्चा ही नहीं है। मतलब रैली में इसको इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं जाता है। वरना आप बताइए ना, अगर मैंडेटरी कर दिया जाए एंट्री पॉइंट पर कि बिना मास्क के नहीं घुसने देंगे, तो फिर तो आप लोगों की जिंदगी सुरक्षित करेंगे ना। लेकिन किसी पार्टी ने पहल नहीं की। अब हाईकोर्ट ने कहा है, तब सबको सैनिटाइजर और मास्क की जरूरत का याद आ रहा है। जी नहीं, प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार, और उनकी जो जनसभाएं होती हैं वो मंच से भी और मंच पर तो कम से कम बहुत ही जबरदस्त कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जनसभाओं में इतनी बड़ी भीड़ आती है, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर हमें कोई ऐसा दिशा निर्देश दे तो हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उसे मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। और हम आश्वासन देते हैं कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, इतनी बड़ी जनसभाएं होती है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री इत्यादि की, और जो भी प्रोटोकॉल लागू होगा चाहे वो हाईकोर्ट की तरफ से हो या इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, उसको मानने के लिए हम लोग उद्यत हैं। और मैं आश्वासन देता हूं कि जहां तक संभव होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही तो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पूरे देश से आह्वान किया है। साथ में जो टीकाकरण का जो अभियान उन्होंने चलाया है, टीका उत्सव, उसमें भी हम अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि उसमें भी भाग लें बड़ी से बड़ी संख्या में। ठीक है मानव जायसवाल जी, मैंने भी शो आज एकदम बिल्कुल सुनसान वाले इलाके से, अलग जगह से इस वक्त करी हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले तक परिस्थितियाँ अलग थी जब कोविड जरा नियंत्रण में था। अब कोविड के मामले बहुत बेतहाशा भाग रहे हैं, इसमें सब राजनीतिक पार्टियों को आवाज उठानी होगी और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कैसे होगा, क्योंकि कुर्सी के आगे कुछ दिखता नहीं है राजनीतिक पार्टियों को, यही संदेश जा रहा है। मानव जी, मैडम नमस्कार और आपके चैनल के थ्रू पूरे देश को नमस्कार। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये आपके चैनल से मैं भी शायद बोलना चाहता हूँ पूरे परिवार को, हमारा बंगाल का जो परिवार है, पूरे हिंदुस्तान का जो परिवार है। लेकिन जहां तक बात है मैडम, देखिए एक धर्म संकट है, एक तरफ इलेक्शन है और एक तरफ स्वास्थ्य है। दीदी ने स्वास्थ्य के लिए जितना प्रयत्न किया है, जिस तरीके से जो मेहनत हमने पिछले कुछ सालों से की है, आज वो मैंने सामाजिक स्तर पे और सोशल स्तर पे एकदम सकारात्मक रूप से प्रखर है। और जहां तक बोला जा रहा है मैडम, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारी दीदी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे वो लोकल लीडर्स क्यों ना हो, सब लोगों ने, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जया बच्चन भी हमारे यहाँ काफी रोड शो कर रही थी, तो उन्होंने भी हर बार लोगों को बोला कि भैया आप मास्क पहनिए। और इनफैक्ट वो तो काफी स्ट्रिक्ट भी हैं इसको लेके, अपने दायरे में भी किसी को आने नहीं देती बिना मास्क के। और यही चीज देखा गया है कि जितने भी हमारे नेतागण हैं उन्होंने भी लोगों को प्रोत्साहित किया है और लोगों को प्रेरणा दी है खुद मास्क को पहन के। और जहां तक बात है मैडम, देखिए एक अद्भुत स्थिति में बंगाल खड़ा है, जहां पे जहां 8 चरणों में इलेक्शन हुआ हो रहा है, जबकि हमने इलेक्शन के पहले भी बोल दिया था कि भाई सेकेंड वेव आ रहा है, आप कम से कम इतने दिनों का इलेक्शन ना करें, कम फेजेस में इलेक्शन करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारी सुनी नहीं। जब पूरे देश में इलेक्शन खत्म हो गया तब इनको बंगाल का चिंता हुआ कि एक नेग्लेक्ट जो बंगाल को किया जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल हर तरीके से नेग्लेक्ट हो रही है, ये देखा जा रहा है खाली बंगाल को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से बहुत सारे, अभी पता चला योगी जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और ये भी पता था कि पिछले सभा में जब वो आए थे वो किसी से संक्रमित थे, जो उनके उनके टीम में जो थे उनको कोविड हो रखा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सभाएं करी। ये काफी निंदनीय है, दुखद है कि भाई इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहकर भी अगर आप अपने कार्य का निर्वाह निपुण तरीके से ना कर सके तो हम जनता को क्या बताएंगे। जहां तक हमारी नीति का सवाल, हम रिक्वेस्ट उनसे भी करेंगे, वो हमारे प्रतिद्वंदी है, हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर ने एक अद्भुत बयान दिया है कि भाई गंगा में नहाने से कोविड चला जाएगा, ये सब का भी संज्ञान लेना चाहिए। और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मानव जी कोशिश कर रहे हैं कि जो धर्म संकट ये है कि ये बीमारी ना किसी की पहचान करके नहीं आती है। एक सेकंड मिस्टर जायसवाल, ये बीमारी किसी की पहचान करके नहीं आती है,
तो आप जो योगी जी का नाम यहाँ पर आप उसको ले रहे हैं, ये किसी को भी हो सकता है सर, ये बीमारी ऐसी अखिलेश यादव को भी हुआ हुआ है, योगी को भी हुआ हुआ है, और बहुत अच्छी बात है कि अन्य नेताओं को नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसको लेकर डर लगातार बना हुआ है, और कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं इसकी वजह से, मुझे लगता है मुझे मास्क पहनना होगा, शो देखकर कुछ लोग यहाँ पर जैसे वो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सप्तर्षि बासु एक सेकंड सर, ज्ञान देना है ना तो ये वाला ज्ञान जाके रैली में दीजिए, हमें पता है कि किस तरह से जिम्मेदारी से निभाना है, जब कैमरा हमसे दूर है उस उतनी दूरी पे मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर सप्तर्षि बासु, मैं आपके पास आना चाहती हूँ सर, एज अ डॉक्टर जब आप ये चुनाव प्रचार और ये बड़ी बड़ी रैलियां देख रहे हैं, कितनी चिंता होती है आपको? मैं तो आम आदमी की तरह पूछ रही हूँ सर, मुझसे जितने लोग मिलते हैं वो यही पूछते हैं कि कल को ये बड़ा विस्फोट हो जाएगा यहाँ कोरोना का, बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी जवाबदेही होगी? देखिए, आपको पता है कि ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ता, दे लव द क्राउड, तो क्राउड अगर होगा तो डेफिनेटली कोरोना फैलाएगा जैसा फैल रहा है, सो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, और एटलीस्ट इस तरह के लैली और इस तरह के भारी जमायत में तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है, एटलीस्ट जो मुमकिन है वो है मास्क, तो वो ठीक तरह से पहनना चाहिए, और आई एम श्योर जो हमारे सब मास लीडर्स है उन लोगों को बोलना है कि दूरी बजाए रखे और हैंड सैनिटाइज करे और मास्क पहने, क्योंकि उन लोगों के बाद हम लोग सब सुनते हैं, वी ऑल लुक अप टू आवर मास लीडर्स, और उन लोगों का बहुत मायने रखते हैं ये सब अच्छा बातें अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर ऑल द पीपल, और कोरोना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मगर कुछ हम लोग देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे, और ये डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न टू ऑल द डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अन्य डॉक्टर्स के पास जाऊं, एक सवाल मेरे मन में जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमने देखा है कि खुले में जो खुली हवा है या खुली जगहों पर थोड़ा सा रिस्क कम है, क्या इस बात में दम नहीं है? क्योंकि अगर आप बंद कमरे में रहे तो आपका जो रेट है ट्रांसमिशन का बीमारी का, कि सब संभावना जिसे हिंदी में कहते हैं कि मुझसे किसी और व्यक्ति को ना, वो कई गुना बढ़ जाता है, खुली हवा में थोड़ा कम रिस्क है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो आपने बहुत हद तक बीमारी को एक तरह से फैलने से नियंत्रित कर सकते हैं। एकदम ये तो ठीक बात है कि क्लोज जगह पे या कोई क्लोज रूम में बीमारी ज्यादा फैलते हैं, मगर फिर भी जब एक ओपन रूम में भी, ओपन स्पेस में भी सब लोग जमायत हुए हैं और मास्क ठीक से नहीं पहने, उससे भी फैल सकता है, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ठीक से मास्क पहनना जरूरी है, और जो हमारे नोज के ऊपर जैसे मैं पहना हुआ, आप देख रहे हैं ना, एकदम पूरा मुंह एकदम ढका हुआ है, दिस इज द राइट वे ऑफ वेयरिंग द मास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मास्क ठीक मटेरियल का मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठीक तरह मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा सबका एक अवेयरनेस है कि ये सबको मास्क पहनना है और ये बीमारी को दूर रखना है। डॉक्टर सरस्वती बासु, आज डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, सर मैं तो अलग अलग जगहों पर गलियों में घूम रही हूँ, ये जो लोगों को बीमारी है, मैं तीन तरह से इस मास्क को पहन के दिखाती हूँ, आधे लोग डॉक्टर सरस्वती बासु, आधे से ज्यादा लोग वो नाक के नीचे, नाक उनकी बाहर रहती है, अरे भैया मास्क ही लगाए हो, नाक से और नाक और मुंह दोनों को बचाना है, ऐसे मास्क पहनते हैं नाक के नीचे करके, और कुछ ऐसे होते हैं, मैंने तो मतलब बोलना थोड़ा सा बुरा लगता है नाम लेकर, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के व्यक्ति को देखा कि वो यहाँ गले पे ऐसे मास्क उतार के बात कर रहे हैं, आप उनको समझाइए कि मास्क को सही ढंग से पहनना कितना जरूरी है, आप बोलिएगा लोगों से यहाँ पे कि दादा मास्क क्यों नहीं पहने हो, तो बोलते हैं यहाँ पॉकेट में है, गले में है, अगर गले में वायरस है तो आपने मास्क को नीचे किया, गले में लगेगा, फिर वापस नीचे लगा रहे हो, कितना बड़ा संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हो, प्लीज आप अगर डेमोन्स्ट्रेशन करके हमारे दर्शकों को जरा समझाएं। डॉक्टर बासु, देखिए बात
जैसे मैं मास्क पहना हूँ, आपको तीन चीज इंपॉर्टेंट मानना है कि तीन जगह से ट्रांसमिशन हो सकता है। देखिए मैं एक आई प्रोटेक्टर पहना हूँ या आंख से जा सकता है ये कोविड वायरस, दूसरा नाक से और तीसरा मुंह से। तो ये तीन जगह को हम लोग को ढके रखना है और ये अगर ये हम लोग ठीक से मेंटेन करें तो ये संक्रमण डेफिनेटली कम हो सकता है। और डेफिनेटली हाथ को धोना है, इसका बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हाथ आप ठीक से नहीं धोए और वो आप नाक में दे हाथ और या चोक में रब करे, आंख में रब करे और या मुंह में दे, तो भी ये वायरस फैल सकता है। तो ये तीन जगह कवर करना है और हाथ ठीक से धोना है। डॉक्टर साहब मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ डॉक्टर साहब। ये बातें हम लोग पिछले एक साल से दर्शकों के सामने बोल रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री सिन्हा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपके वायरस जो निकलेंगे दूसरे के करेंगे, और सामने वाला अगर वायरस से बचने के लिए मास्क नहीं पहना है तो आपको खतरा है। मतलब ये रिलेशनशिप समझाना पड़ेगा तभी तो। और ये नेता पॉलिटिक्स वाले तो इसको जाहिर तौर पर इसकी चर्चा ही नहीं करते। डॉक्टर शास्त्री जी, हम लोग साल भर से देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ते ही जा रहा था। किसी तरह हम लोगों ने कंट्रोल किया था उस टाइम पब्लिकली, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा था, तो प्रिकॉशंस के साथ इन्फेक्शन काफी कम हुआ था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से जब से इन्फेक्शन का रेट कम होना शुरू हुआ, हम लोगों ने भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। मतलब मास्क हार्डली हम लोग देखते हैं रास्ते पे, कुछ ही लोग हैं जो प्रॉपरली मास्क पहनते हैं, जैसे डॉक्टर बासु बता रहे थे। अधिकतर लोग जो मास्क पहनते भी हैं वो नाक से नीचे पहनते हैं या नाक या मुंह ढक के नहीं पहनते हैं। तो वो मास्क पहनने का फायदा ही क्या जो नाक और मुंह को ना ढके। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम लोग रोज देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा है, न्यूज पेपर्स में बताया जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, संक्रमण की मात्रा एकदम तेजी से बढ़ रही है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। किसी को हमें क्यों बताना पड़ेगा। हम सब जानते हैं साल भर से कि ये कोविड सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसने बहुत सी जानें ली हैं। तो ये ऐसी कोई मामूली बीमारी तो नहीं है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स है। कम से कम ये स्टेप्स अगर हम लोग फॉलो करें तो संक्रमण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर सुभ्रज्योति भौमिक, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए हमारे साथ दो नेता हैं और नेताओं को बताना समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे हाँ मास्क जरूरी है, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ तो कहीं पर रैली चल रही होगी, कहीं पर सभा चल रही होगी। अगर ऐसे नेताओं को एड्रेस करके कुछ बोलना होगा तो डॉक्टर भौमिक आप क्या बोलेंगे। देखिए नमस्कार मैडम, और सबसे इम्पोर्टेंट बात और दुखद बात मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ, वो है कि क्लास 10 जो हमारी कक्षा 10 की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, और जो क्लास 12 की परीक्षाएं हैं उसको विलंबित कर दिया गया है। ये बच्चे अपने लिए पढ़ाई कर रहे थे, अपना उज्ज्वल भविष्य सोच रहे थे कि इनका कब एग्जाम होगा और वो कब आगे बढ़ेंगे, बट हमने देखा कि बंगाल में 8 चरण का इलेक्शन है, 4 चरण हमारे हो गए हैं, उसके बाद हमारे नंबर इतने बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि देश में 1,80,000 और हमारे जो राज्य है बंगाल में भी लास्ट 10 दिन में करीबन मतलब जो डबल से भी ज्यादा केसेस हो गई हैं। तो मुझे लगता है जो भी जो सरकार में है, जो सरकार के बाहर है, उनका मुझे लगता है हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि वो इंसान के लिए काम करे, वो गरीब इंसान के लिए काम करे, वो समाज के लिए काम करे। आज मैं राजनीतिक नेता जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे बस यही अपील करना चाहता हूँ कि क्यों एक मामूली इंसान को आज कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्यों हम एक समाज एक एकत्रित होके ये नहीं सोच सकते कि ये रैलियां बंद हो, वर्चुअल मोड पे हम आ जाएं और हम अपना डिबेट आज तक जैसे आपका चैनल है या फिर हमारी बंगाली चैनल्स जो हैं उस पे हम डिबेट रखें। और ये हम जानते हैं और हमें नहीं सिखाना है कि अगर लोग एकत्रित हो रहे हैं, डॉक्टर बासु ने भी बोला, डॉक्टर सिन्हा ने बोला कि ये वायरस एकत्रित होने पे, लोग इकट्ठा आने पे फैलता है, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है जो मुझे एक और चिंता का विषय लगता है कि मास्क ना पहनना हमारे देश में क्यों इसको दंडनीय नहीं बनाया गया।
इसको दंडनीय अपराध बनाना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में नहीं है, तो इसको क्यों सारे सारे राज्यों में ये पिछले फेज से मुझे याद है सर, जो फर्स्ट वेव आई थी, जो जी पहला वेव जब आया था, पहली लहर आई थी, तब मैंडेटरी कर दिया गया था, कई जगहों पर पेनल्टी थी कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, कई जगहों पर है, दिल्ली में भी है, कई जगहों पर है, वहाँ यहाँ पर भी कोलकाता में करना जरूरी है, क्योंकि कोई यहाँ पर भी मास्क नहीं पहनता है, कोई नहीं मानता है उसके इम्पोर्टेंस को, बहुत कम लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पहनता, कुछ लोग पहनते हैं। मैं आपके पास अब डॉक्टर श्यामाशीष बंदोपाध्याय आपके पास आना चाहती हूँ। ये जिंदगी की बात है, जीवन और मरण के बीच का फर्क है, यही है। जब तक आपके पास दवाई मतलब वैक्सीनेशन हर किसी को नहीं लग जाता है, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही दवा है। दोनों नेताओं को आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ इन दो नेताओं को बोलने की बात नहीं है, ये सभी लोग जो टीवी देख रहे हैं उन सबके लिए है ये संदेश। डॉक्टर बंदोपाध्याय। थैंक यू मैडम। ये बात एकदम सबको मानना चाहिए कि अगर आपको वैक्सीनेशन हो भी गया है, फिर भी मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग रहनी है। ऐसा नहीं कि हमको वैक्सीनेशन लग गया है तो हमको और मास्क नहीं चाहिए। हमारे जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं, जो दो वैक्सीन अभी उपलब्ध है, वो दोनों वैक्सीन में लगभग 70% आपको कोरोना से ये मिलती है, तो बाकी जो 30% है उनको आपको एंटीबॉडी नहीं हो रहा है। ये एक साइंटिफिक चीज है, तो हमें ये भी सबको जानना है कि वैक्सीनेशन आपको बीमारी 100% बंद होगा इसका दावा नहीं करता है। तो मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन करे या ना करे, आपको करना ही है। वैक्सीनेशन इसके साथ एडिशनल वेपन है जो आपको ये कोरोना की सेकेंड वेव को दम करने में हेल्प करेगा, जो पहला वेव में हमारे हाथ पे थी नहीं। अगर ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन होगा तो मास्क। डॉक्टर सायन चक्रवर्ती, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, जो सर ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एफिकेसी रेट है उसी हिसाब से तो एंटीबॉडीज बनेंगी ना, कुछ लोगों में बनेंगी 60-70% में, कुछ में नहीं बनेंगी। तो आपको ये हमेशा समझना है कि मास्क और सफाई और वही आपको पालन करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं निखिल प्रसून और मानव जायसवाल के पास जाऊं, आप क्या कहेंगे पॉलिटिशियंस को आज, क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ सिटीजन, आप भी कंसर्न होंगे रैलीज, प्रचार को देखकर। थैंक यू मैम। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है, मीडिया ने जो पॉइंट रेज किया है, सेम पॉइंट भी हाईकोर्ट तक गया है, एंड हम लोग सब फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में सेम बात बोल रहे हैं कि हमें हाथ धोते रहना है, मास्क को अच्छी तरह से पहनना है, नाक और मुंह पूरा ढक के पहनना पड़ेगा। आपने एक बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है कि लोग नीचे मास्क पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क पहनते रहना पड़ेगा, क्योंकि मास्क ही हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन है। आपने देखा होगा कि जापान या साउथ कोरिया में अगर लोगों को नॉर्मल सर्दी खांसी भी होती है तो वहाँ मास्क पहन लेते हैं, इसलिए वहाँ पे जो ये जो स्प्रेड है उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि हमें यहाँ पे या यूएस में या दूसरे सारे देशों में दिख रहा है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं मास्क पहनना ही पड़ेगा, और साथ में सैनिटाइजर कैरी करके आप अपना हाथ धोते रहिए। और एक और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मास्क का सामने का जो पार्ट है उसको टच नहीं करना है। हम लोग को होता है कभी कि थोड़ी सी सांस में दिक्कत रह गई है मास्क पहनने से, या फिर कुछ मुंह के आसपास हमको थोड़ी सी खुजली हो रही है, तो हम मास्क के ऊपर से उसको टच करके खुजा लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। मास्क का सामने का पार्ट बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट एक इन्फेक्टेड एरिया है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, लगभग 6,000 हो गए हैं, और ऐसे ही कोलकाता में भी तमाम जगहों पर। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पर चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को बैठक रखी है। 16 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता में सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है, सभी दलों के साथ ये बैठक कोलकाता में होगी। कोरोना पर चुनाव आयोग की 16 अप्रैल को बैठक होने वाली है। देखिए, लगातार जो कोर्ट है, कोर्ट के हस्तक्षेप से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरह से मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर पार्टियां क्या कर रही हैं? ये सवाल कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा है और कहा है कि आप न मास्क लगवा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सबकी जैसे नींद जागी है चुनाव प्रचार को लेकर।
और अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या किया जाएगा। तो आइए अब आपका वापस उस बहस का रुख करते हैं। निखिल प्रसून जी, चुनाव आयोग की बैठक है कोलकाता में, क्या कहिएगा अपनी पार्टी की तरफ से? हामी भरिएगा कि हाँ अगर सभी मानते हैं तो ये चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। देखिए, मैं सबसे पहले तो चिकित्सक महानुभावों ने जो उद्गार व्यक्त किया है उसके साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक चिकित्सक हूँ, एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ आमरी हॉस्पिटल सॉल्ट लेक में पहले, उसके बाद मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। और आज भी मैं जो हॉस्पिटल से ही आया हूँ, मैंने देखा कि हमारे हॉस्पिटल्स में जितने क्रिटिकल केयर बेड्स थे और जनरल बेड्स थे और जितने भी कॉरपोरेट और बाकी सारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो बेड्स की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि स्थिति पहले से ज़्यादा दुविधापूर्ण हो गई है, क्योंकि इस बार जो पीक आया है बहुत तेज़ी से आ गया है, इसलिए हमें पहले से 10,000 गुना ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और इसलिए हमारे चिकित्सक महानुभाव, खासकर क्रिटिकल केयर के जो इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे पैनल में, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हमारा शिरोधार्य है, जनता को उसको पालन करना चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो बैठक बुलाने का आह्वान किया है वो राजनीतिक पार्टियों से विमर्श के बाद चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइन देगा वो बाध्यता मूलक होगी, मैं आपको ऐसा वचन देता हूँ। नहीं तो चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि प्राण से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव नहीं हो सकता है। लोगों की जान सबसे पहले बचानी है, तभी तो उनसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की हम अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जिस तरह चुनाव, जिस हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 19 तारीख को रिपोर्ट देना है उनको, पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केसेस, 20 डेथ्स हो गए हैं, तो मैं इसे बाध्यता मूलक मानता हूं। डॉक्टर निखिल प्रसून कह रहे हैं कि वो तैयार हो जाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुनाव प्रचार पर बैन लगना चाहिए, वो तैयार हो जाएंगे। आप लोग तैयार होंगे? मैडम, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब आप मास्क लगा रही थी, मैंने बोला कि वहाँ पे आसपास काफी लोग आ गए होंगे, इसलिए अच्छा है आप मास्क लगा लें, क्योंकि आप ऑलरेडी लगा रही थी। मेरा कोई उसके ऊपर और कोई टिप्पणी देने का इच्छा नहीं था। और जहाँ तक सर मैडम इलेक्शन कमीशन की बात है, और मैं पहले तो सर थैंक्स बोलता हूँ सारे डॉक्टरों को, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को आज आपके माध्यम से भी जागरूक किया। आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो शायद इसलिए भी लोगों में एक प्रोत्साहित प्रेरणा जागेगी। और इलेक्शन कमीशन जो भी करेगी मैडम, हम उसके लिए सज्ज है, हमने तो कार्य का निर्वाह किया है और हमने पहले भी इलेक्शन कमीशन को जागरूक किया था। हमारी चिट्ठियां हैं, जब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होने के पहले भी हमने उनको अवगत कराया था, और चिट्ठियां डेट्स अनाउंस करने के बाद भी हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया था। जिस तरीके से महाराष्ट्र में और भी दूसरी जगह पे सेकेंड फेज ऑलरेडी चालू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने उस समय शायद यह निर्णय नहीं लिया, शायद उनको 8 फेज ऑफ इलेक्शन कराने में काफी तत्परता थी। बाकी देशों के दूसरे दूसरे प्रांतों में आपको पता है कितने फेज ऑफ इलेक्शन हुए हैं। और खैर बहरहाल, जो भी हाईकोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा, वो सर्वोपरि है। और दूसरी चीज, हम ऑलरेडी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी कारण जो भी आए मास्क पहन के आए। हमारी नेत्री ने हर मंच से बोला है, और हमारे सारे नेताओं से ये अपील है, वो खुद भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे जगह मैडम हम लोग सैनिटाइजर एज वेल एज मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने अभी भी जाना है, बहुत सारे ऐसे जो मंच जहाँ जहाँ बन रहे हैं हमारे। डॉक्टर प्रसून जी, डॉक्टर प्रसून, आपको पता है मास्क एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, रुके रुके, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि मास्क एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो सही मटेरियल का होना भी उतना ही जरूरी है। मैंने देखा है कई पार्टियों के, मैं नाम नहीं लूंगी फिर से, तो सभी पार्टियों का एक ही हाल है। कई पार्टियों के मास्क देखे हैं मैंने, पतला सा सिंगल लेयर होता है और उस पर आपकी पार्टी का छाप रहता है, वो मास्क थोड़ी है सर, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आप डॉक्टर होते हुए जानते हैं, तो या तो हम समझे कि मास्क पहनना है तो ढंग से पहनिए और सही मास्क पहनिए, वरना फिर आप आई वॉश नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई वॉश से काम नहीं चलेगा, ये बीमारी है। ये नहीं समझे कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता क्या आई वॉश कर रहा है। खुले स्थान में अगर आप हैं तो सर्जिकल मास्क है अगर आपके पास, तो उसका प्रयोग करें, या मल्टी लेयर्ड फैब्रिक होता है, एक लेयर नहीं मल्टी लेयर्ड फैब्रिक है, उसका प्रयोग करें। हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो N95 यूजुअली पहनते हैं, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सर्जिकल मास्क या मल्टी लेयर्ड फैब्रिक मास्क का यूज़ करना आवश्यक है। और साथ में आप छोटा सा, अगर राजनीतिक पार्टियों
वो भी ऐसा, हम लोग भी ऐसी जो सैनिटाइजर से उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, लेकिन छोटा सा सैनिटाइजर हमेशा अपने पॉकेट में रखना मैं कहूँगा श्रेयस्कर होगा। कम से कम दो मास्क रखिए, कई बार ये पट्टी टूट जाती है तो उस वक्त ऐसा लगता है कैसे क्या करें, तो फिर वो दुविधा वाली स्थिति होती है। एक मास्क पॉकेट में रखिए, एक मास्क पूरी तरह लगा करके रखिए, तब क्या है कि खुले स्थान में थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग अगर हल्का भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो मास्क और सैनिटाइजर तो होगा ही, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन जो निर्णय लेगा वो बाध्यकारी होगा। डॉक्टर निखिल प्रसून, एक सेकंड सर, डॉक्टर निखिल प्रसून, अरे सर मैंने इसके लिए पैनल ऑफ डॉक्टर्स बुलाया हुआ है, आपको मैंने आज डॉक्टर के तौर पर नहीं बुलाया है, मैंने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बुलाया है। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप मुझे कुछ और ही ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। ये ज्ञानवर्धन के लिए मैंने 5 डॉक्टर्स बुलाया है सर। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो मास्क बांटे जा रहे हैं, जो मजाक हो रहा है सिंगल लेयर का पतला, ये बोलिए अपनी पार्टी में, आप लोग बोलिए कि इसकी जरूरत नहीं है। ये हर पार्टी को समझना पड़ेगा, ये जो पतला पतला आप लोग कपड़ा बांट दे रहे हैं सिंगल लेयर, मैं तो उस पर सवाल कर रही हूँ ना आपसे और मानव जायसवाल से भी करूंगी इसके बाद, उस पर बोलिए ना। तो ये बात तो मुझे डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर बासु सारे बताने को बैठे हुए हैं। जी जरूर, मैं अपने पार्टी के जो शीर्षस्थ लोग हैं उनसे कहूंगा कि ये पतला मास्क बांटना बंद करें और जो प्रॉपर जो ट्रिपल लेयर मास्क होता है या जो फैब्रिक का जो मास्क होता है वो बांटे। मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूँ, ये तो बिल्कुल शिरोधार्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। बिल्कुल सर्जिकल मास्क बांटना चाहिए, मानव जायसवाल, मानव जायसवाल सर्जिकल मास्क बांटिए जो कि सिंपल ब्लू वाला होता है, वरना ये। हाँ जी, हाँ जी मैडम, मैं वही अवगत कराना चाहता हूँ आपको, जो हमारे जो वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरह का मास्क जो पैरामीटर उन्होंने रखा है, जो सर्जिकल मास्क जो ब्लू वाला होता है, हम वही बांट, खैर उसकी भी उपलब्धि पर्याप्त नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो जो भी हमारे जो मंच बन रहे हैं उसके एलटीएल और जहाँ जहाँ जो एंट्रीज है हमने ऑलरेडी काफी दिनों से चालू कर रखा है। आप भी शायद बहुत जगह गए होंगे, जो गेटेड हमारा जो मंच हो रहा है, मैंने आज भी देखा है सर, पार्टी सिंबल के साथ, पार्टी सिंबल के साथ, दो तीन पार्टियों के पार्टी सिंबल के साथ पतले वाले मास्क हैं, जाली के बेचे हैं। इस पर मैं डॉक्टर सयंती सिन्हा मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मास्क को फॉर्मेलिटी बना लिया गया है, मतलब बोलने में बड़ा दुख होता है लेकिन मास्क को फॉर्मेलिटी बना लिया गया है। नाक के पीछे पहन के रहेंगे, गले में टांग के रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, सिंगल लेयर बांट देंगे, जैसे कोई आएगा तो मैंने मास्क पहना हुआ है। अरे भाई दिखाने के लिए थोड़ी है, बीमारी के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए है डॉक्टर सिन्हा। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, आई थिंक कोई कहीं मास्क बांटे या ना बांटे ये हम लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। जब हम लोग कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क साथ में कैरी करें, क्योंकि दूसरों के पहले तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। हम खुद को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, खुद क्वालिटी ऑफ मास्क का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जान को खतरा है, हमारे फैमिलीज को खतरा है, क्योंकि नॉट ओनली कि हम लोग अपने आप को इन्फेक्शन से एक्सपोज कर रहे हैं, अगर हम इन्फेक्टेड हो जाए तो हम ये वायरस घर ले जा रहे हैं। तो कम से कम दूसरों के लिए नहीं सोच के हम लोग अपने आप के बारे में और अपनी फैमिलीज के बारे में सोच के मास्क को ढंग का मास्क पहने और ढंग से पहने, नाक और मुंह ढक के पहने, मास्क के सामने को नहीं टच करें, मास्क को सही तरीके से खोले, सही तरीके से रखें। दैट इज आई थिंक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एनीबडी एल्स। बिल्कुल डॉक्टर शोभ्र ज्योति भौमिक, आपका इस पर कमेंट, मतलब एक ऑर्डिनरी सिटीजन के तौर पर, क्योंकि लोगों का गुस्सा है तभी तो हाईकोर्ट तक मामला गया और हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, क्या आपको लगता है वक्त ऐसा आ गया है जब इलेक्शन कमीशन को सीरियसली चुनाव प्रचार रोकने पर फैसला लेना चाहिए और वर्चुअली अगर आप रैली वर्चुअली कर सकते हैं तो वो करना चाहिए? थैंक यू अंजना जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इलेक्शन कमीशन ने लास्ट ईयर अगस्त 2020 में ही इन्होंने गाइडलाइंस इशू कर दी थी और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप गाइडलाइंस देखें वहां पे लिखा है कि डोर टू डोर कैंपेन पे अगर कोई पार्टी जा रही है तो 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, रोड शो कर रहे हैं तो आपके 5 से ज्यादा कॉन्वॉय कार्स नहीं हो सकते। और इस पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है कि ये दंडनीय अपराध भी है, अगर इलेक्शन कमीशन, माननीय इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। तो कल जो मीटिंग बुलाई गई है डेफिनेटली बहुत जरूरी है,
मेरा बस यही मेरी रिक्वेस्ट है हर पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं वो खुद डॉक्टर हैं, उनको खुद पता है कि अब अभी कलकत्ता में क्या हालत है। कोई भी अस्पताल, जितने भी अस्पताल यहाँ बैठे हैं, हमारे पास बेड्स नहीं है, पेशेंट्स फोन पे फोन किए जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हमें सोचना चाहिए कि अगर और लाखों की तादाद में लोग अगले 3 हफ्ते तक, अभी तक हमारे और कुछ चरण बाकी हैं, अगर ऐसे लोग एकत्रित होंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमारे पास जो केसेस हैं वो 3-4 times हो जाएंगे। क्या हम किस दिशा में देख रहे हैं, हमको सोचना चाहिए। क्योंकि आज पॉलिटिकल पार्टीज को भी उनके ऊपर भी ये दायित्व है कि जो सामाजिक इंसान है, जो इंसान है, उसके बारे में भी वो सोचे, क्योंकि हर इंसान जो है पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम ये नहीं सोचेंगे, और जो डॉक्टर सिन्हा ने एक बोला कि अपनी जो सेफ्टी है, वेदर हम मास्क पहने, सैनिटाइजर उसको यूज करें, और शारीरिक दूर जो हम कहते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, हर एक इंसान को सोचना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको बुखार हो, सर्दी खांसी हो, तो कृपया मीटिंग्स में ना जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं, आप शायद आपको कोविड हो, कोरोना हो, और आप उसको फैला रहे हो अपने जितने भी लोग हैं आपकी मीटिंग्स में आए हुए हैं। तो कृपया थोड़ा सोचे, थोड़ा सा अपने देश के बारे में सोचे, थोड़ा सा अपने समाज के बारे में सोचे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। इस पूरे पैनल में जितने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े इस 1 घंटे में, बहुत धन्यवाद आप सभी का। निखिल प्रसून जी, मानव जायसवाल जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन संदेश सिर्फ इतना है, मास्क पहनिए, लेकिन सही ढंग से पहनिए। देखिए, पिछले 1 सप्ताह में इससे पहले कि हम और आप देखते समझते, बीमारी अचानक बहुत तेजी से फैल गई है। दफ्तरों में अगर तबीयत जरा भी खराब है, दफ्तर में मत जाइए, दूसरों को फैलाइएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और ये सवाल अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो वक्त आ गया है जब चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। 16 अप्रैल को बैठक है, देखिए क्या फैसला होता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज पश्चिम बंगाल से आप स्पेशल एपिसोड देख रहे थे। यहाँ पर कोलकाता में भी मामले बढ़ रहे हैं, 5,000 के करीब पहुँच गए हैं पश्चिम बंगाल में। और इसीलिए ये सवाल कि कब तक चुनाव प्रचार और रैलियां इस तरह से चलती रहेंगी। आज हाईकोर्ट ने भी ये तमाम सवाल दागे हैं, कहा मास्क जरूरी और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी।